यहाँ की क्लाइमेट है थोड़ा बदली हो गई है, और बदली होने के बावजूद इस संतरा माल्टा नारंगी इन पे सारे कीड़े लग रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, इससे भी किसान को नुकसान हो रहा है। जो डाल सको ना तो वह भी मैं कुछ नहीं मिलो, जो पेड़ जो दाना छठ होना फल छठ होना तो वह भी मैं कुछ नहीं मिलू, जो दावा पे कीड़े लगे तो वह भी मैं कुछ ज्ञान नहीं की कीड़ का न मरल। एक किसान ने अपने पूरे खेतों में जो है संतरे का बागवानी कर रखी है, अब उसमें जो प्रतिवर्ष जो निकलता है 2 से 3 ट्रक प्रतिवर्ष जाता था, अब की बार जो है 1 ही ट्रक गया है, और वो साइज में भी छोटा है, बाजार में भी उसकी कीमत कम मिली है, जो किसान को सीधे सीधे जो है उसमें जो है आमदनी में फर्क आया है एक तो, और आमदनी से किसान की आर्थिकी के ऊपर भी फर्क आया है। इनके पीछे हमारे जीवन है, क्योंकि खा रहे हैं हम उस पेड़ों को, मतलब उस पेड़ का हमारे को धन मिलता है, तो उससे हमको जरा वो है आधार है कि हम वो पैसे मिलल तो हम ये कुछ सामान झुल फूल या हम राशन झुल या हम चीनी तेल झुल। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर 2 रुपए का गेहूं और 3 रुपए का चावल गरीब को, और 4 रुपए गेहूं और 6 रुपए चावल सामान्य परिवार को दिया जाना तय किया गया है, पर दुकानों पर राशन या तो पर्याप्त नहीं आता या आता ही नहीं है, जिससे गरीब लोग परेशान हैं। सरकार ने कुछ किया है? सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने मेरे को 1.5 पैसा की वो नहीं दी। मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक माल्टा सूखने की बीमारी के रोकथाम के उपाय ढूंढे व काश्तकारों को बताएं, ताकि वे अपने रोजगार के प्रमुख साधन को बचा सकें। इंडिया अनहर्ड और वीडियो वॉलंटियर्स के लिए गैरसैंण उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।